तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। परिग्रह भाग एक। परिग्रह एक ऐसा विचित्र ग्रह है जो सर्व राशि वालों को नड़तर रूप है। अन्य कोई भी ग्रह किसी भी एक व्यक्ति को दुख देता है, मगर यह परिग्रह सर्व जीवों को दुख देता है। परिग्रह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें एक, बाजार तेजी में हो तब पैसा कमाने में ब्रेक नहीं लगती है। दो, मुझे 7 पीढ़ी तक चले इतना या 77 पीढ़ी तक चले इतने पैसे की जरूरत है, ऐसा कोई जगह नहीं है। 3, जहां से जितने मिले इतने ले लो, कोई प्रामाणिकता नीति नियम की दिशा नहीं है। 4, पेट्रोल रूपी पुण्य कितना है वह मालूम नहीं है। 5, अन्य पाप हो जाने के बाद पछतावा हो सकता है, लेकिन परिग्रह का पाप होने के बाद आनंद होता है, अतः परिग्रह रूपी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। तुम्हें किसी ने भोजन में इन्वाइट किया है, बहुत सारे लोग भी वहां आने वाले थे। वहां भोजन में दूधपाक रखा गया था, ज्यादा दूधपाक खाने मिले इसलिए लेट जाना तय था। थोड़ी देर के बाद न्यूज आ गए कि दूधपाक खाने वाले सभी को फूड पॉइजनिंग होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो क्या तुम वहां जाकर दूधपाक खा सकोगे? इसी तरह अन्य कोई भी भोग विलास या हिंसा आदि के पापों किए बिना मात्र परिग्रह के पाप से मम्मण सेठ 7वीं नरक में एडमिट हो गए। वही परिग्रह का पाप क्या हम कर सकते हैं? एक बात याद रखिए, इकट्ठा किया हुआ धन साथ में नहीं आता है, बल्कि धनों को इकट्ठा करने के लिए किया हुआ पाप अवश्य साथ में आता है। इस पाप से दूर रहने के लिए हमारे घर में एक शुभम चक्रवर्ती का पेंट बनाकर रखना चाहिए और दिन प्रतिदिन उससे देखकर सोचना चाहिए कि 6 खंडों का साम्राज्य, 14 महारत्नों, 96 करोड़ का सैन्य, 192,000 स्त्रियां होते हुए भी ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड जीतने निकल पड़ा यह शुभम सैन्य सहित समुद्र में डूब गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।